स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल रही है सिलावट मोहल्ले की हालत। ना नेता और ना ही प्रशासनिक अधिकारी लेते हैं इस क्षेत्र की सुध। बुरे हालतों से लोगों में खासा रोष। यूं तो अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में करोड़ों रुपए खर्च कर विकास का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों में हालात विकास के इन दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। शहर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां की सुध लेने के लिए ना तो कभी कोई नेता पहुंचे और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को फुर्सत मिली, जिसके चलते इन क्षेत्र के लोगों का जीवन जीना दुर्भर हो गया है। जहां के लोग विकास के थोते दावे के बीच नरकीय जीवन जी रहे हैं। स्मार्ट सिटी की चर्चा के बीच सिलावट मोहल्ले की हालत चीख चीख कर नेताओं और अधिकारियों से सवाल कर रही है। यदि सरकार और प्रशासन संवेदनशील है तो फिर सिलावट मोहल्ले के लोग ऐसी जिंदगी जीने में क्यों मजबूर है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पार्षद भी पूरी तरह असंवेदनशील बना हुआ है। कई सालों से अपने आशियाने बनाकर रहने वाले इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आखिर अब जाएं तो जाएं कहां। एक स्मार्ट सिटी की गाथा है तो वहीं सिलावट मोहल्ले के क्षेत्रवासी उस विकास को आईना दिखा रहे हैं। सुनिए उनकी परेशानी उनकी जुबानी। किस तरह की यहाँ पे समस्या? सिलावट मोहल्ला नूरानी नदी की सैनी कोली से हम बोल रहे हैं। अब मसला ये हमारी जो सड़कें हैं ये बनी हुई नहीं है। नेता के पास हम कई बार गए, वो हमारे को बोलने लगे अभी जाए तो 2 महीने का टाइम दिया होगा क्या। अब हम 2 महीने तक और इंतजार कर लेंगे उनका कि भाई वो बनाते हैं या नहीं बनाते। और जो नाली की परेशानी है और 11,000 पावर की ये तार आ रहे नीचे, तो हमारे बच्चे वगैरह सभी खेलते हैं। और ये खम्भे जो लगे हुए हैं ना, उससे इनको थंबों को हटवाओ, ये सड़क नाली ये बनवाओ हमारी। आपके कभी पार्षद के पास गए? कई बार गए, खैर उन्होंने हमें कुछ गलत नहीं बोला, बस यही बोला है कि भाई हम बना देंगे आपकी नाली, थोड़ा सबर रखो, बजट पास नहीं हो रहा, बजट आएगा जब हम बना देंगे। तीन साल में कुछ भी नहीं हुआ। कई नेता लोग आते हैं यहाँ, हमें झूठी तसल्ली देके जाते हैं। और राजू भाई ये उनका पीठ पीछा, उन्होंने हमारे को कहा कि 2 महीने बाद हम कर देंगे ये काम। आपका नाम? शबनम।